Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, how are you? Well, friends, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैंने हमारे चैनल पर 200 से भी ज़्यादा वीडियो डाल दिया है हमने अभी तक. आप शुरू से, एकदम स्टार्टिंग से, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप एक बिल्कुल शुरू से जाकर देखिए. स्टार्टिंग से मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले बेसिक के वीडियो डाले हैं, फिर उसके बाद एडवांस कोर्स के, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स के जो अभी चल रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, बट वो पूरा नहीं था, उसमें कुछ चीज़ बाकी रह गई थी जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मैंने जो बताया था, उसमें वो जो उस पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो अलग टाइप के सेंटेंसेस थे, और आज जो बताने जा रहा हूँ वो अलग तरह के सेंटेंसेस है, बट बनाने का जो नियम है वही रहेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं. वह कितनी खुशी से गाती है, तो कितनी खुशी से, हाउ हैप्पीली शी सिंग्स, हाउ हैप्पीली शी सिंग्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है हमेशा अंत में ही आता है, सेंटेंस के आखिरी में आता है, बिल्कुल लास्ट में आता है. ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी वर्ब को बीच में मत लगाना अगर वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो. अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है तभी हम वर्ब को इधर उधर करते हैं. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का ये नियम ही है कि चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, हम उसको हमेशा सेंटेंस के अंत में ही लिखते हैं. ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा, वह कितना तेज दौड़ता है, तो हाउ फास्ट ही रन्स. जो टेंस का नियम है, जिस टेंस का सेंटेंस है, जो उस टेंस का नियम है वो हम नियम यहाँ पर लागू जरूर करेंगे, उस नियम को हम नहीं छोड़ेंगे. जैसे कि प्रेजेंट इनफिनिटिव टेंस का सेंटेंस है और उसका नियम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस आई एस लगता है, तो उसमें हमने एस लगाया है. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने टेंस वाले वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा और आपको पता होगा. तो कितनी होशियारी से आपने मुझे बचाया, इसमें हम थोड़ा अलग टाइप का होगा, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू सेव मी, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू सेव मी. इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज आएंगे, कितनी चालाकी से आपने यह काम किया, कितनी होशियारी से आपने मुझे बचाया, इस तरह के सेंटेंसेज आएंगी तो कितनी होशियारी से आपने मुझे बचाया. ओके, कितनी दयापूर्वक आपने मेरी मदद की, तो हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी. इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे इससे मिलता जुलता, कितनी होशियारी से, कितनी चालाकी से, कितना दयापूर्वक, इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होंगे उसको हम बनाते वक्त सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर यहाँ पर यू है तो यू लिखेंगे, अगर ही है तो वह है तो हिम लिखेंगे, वे लोग हैं तो देम लिखेंगे. ठीक है ना, जैसे अगर होता कितनी दयापूर्वक उन लोगों ने मेरी मदद की, तो हाउ काइंड ऑफ देम हो जाता है यहाँ पर, देम टू हेल्प मी. अगर किसी लड़के की बात होती कि कितनी दयापूर्वक उसने मेरी मदद की, तो हाउ काइंड ऑफ शी. ओके, तो हाउ काइंड ऑफ हर टू हेल्प मी. तो यहाँ पे लड़की है इसलिए यहाँ पे हर हो जाता. ओके, अगर किसी लड़के की बात होती थर्ड पर्सन की कि कितनी दयापूर्वक उसने मुझे मेरी मदद की, तो हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी. ओके फ्रेंड्स, कितनी बेवकूफ़ी से उसने पत्थर फेंकी, तो हाउ फुलिश ऑफ हिम टू थ्रो स्टोन्स. ओके फ्रेंड्स, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू थ्रो स्टोन्स. तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज आएंगे, कितनी बेवकूफ़ी से, कितनी चलाकी से, कितनी दयापूर्वक यानी कितनी दयालुता से या कितनी होशियारी से, इस तरह के सेंटेंस आएंगे उसमें हाउ
एडजेक्टिव, फिर ऑफ प्लस ए ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में ध्यान रखें कि आप यू, ही, सी, इट, आई ऐसा नहीं लिखना है, दे नहीं लिखना है। उसका जो आई का मी होता है, दे का देम होता है, और वी का अस होता है, सी का हर होता है, ही का हिम होता है, तो वो लिखेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे उसका हम, ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, अभी हम इन सेंटेंसेस पर नजर डालते हैं। ये सेंटेंसेस थोड़ा अलग तरह का है, बट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही। हम इसको बनाते हैं, ऐसा आदमी और मेरा पति, बोलते हैं ना कि ऐसा आदमी और मेरा पति। तो सच अ मैन एंड माई हस्बैंड, सच अ मैन एंड माई हस्बैंड, ये ऐसा लड़का और मेरा दोस्त, सच अ बॉय एंड माई फ्रेंड, सच अ बॉय एंड माई फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स? ये भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज ही है। अगर इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे कि ऐसा लड़का और मेरा पति, ऐसा आदमी और मेरा भाई, ऐसा आदमी और मेरा बाप, ऐसी औरत और मेरी माँ, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो सच का इस्तेमाल करेंगे। सच अ बॉय, सच अ मैन, सच अ वूमन, इस तरह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद लिख देंगे। फिर ऐसा बेईमान और हमारा नेता, ये इसके जैसा ही लगता है, बट इसमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये नाउन है, ये नाउन है, और यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस अलग तरीके से बनेंगे, बट देखने में एक ही जैसे लगते हैं, बट बनाएंगे हम अलग तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स? तो सो डिसऑनेस्ट एंड आर लीडर, ऐसे ग्रुप और मेरी प्रेमिका, तो सो अगली एंड माई बिलव्ड, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे और इसमें यहां पर एडजेक्टिव होगा, नाउन के बदले एडजेक्टिव होगा, तो यहां पर हम सो लगाकर बनाएंगे। सो डिसऑनेस्ट, सो अगली, मीन सो लगाएंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, सो एडजेक्टिव, उसके बाद हम सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स? ये चारों सेंटेंस एक ही जैसा दिखते हैं, बट ये जो दो सेंटेंस नीचे वाला मैंने आपको बताया है, इसमें एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए यहां पर हमने सो लगाकर बनाया, और इसमें नाउन आ रहा है, इसलिए हमने सच लगाकर बनाया, ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसमें और भी तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसे वह फुट फुट कर रो रही है, वह खिलखिलाकर हंस रहा है, इस तरह के सेंटेंस भी, ये सारे सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही कहलाते हैं। तो उस तरह के सेंटेंसेस तो हम बना ही सकते हैं, सेंटेंस वो टेंस की तरह ही होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? वह फुट फुट कर रो रही है, सी इज क्राइंग बिटरली, ओके? तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बात, तो इस तरह के सेंटेंसेस में कुछ खास बताने लायक है नहीं, इसलिए वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट समझ लेना एक बार कि सिर्फ इसी तरह के सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी नहीं होते हैं, और भी तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ओके फ्रेंड्स? तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।